मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में चिराग़ों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कराची में मरकजी जुलूस ईद मिलाद उन नबी बोल्टन मार्केट से बरामद हुआ। मस्तूम मीत इलाद उन नबी के जुलूस से कबल धमाका, डी एस पी समेत 40 अफराद जा बहक, दर्जनों जख्मी। जा बहक अफराद में डी एस पी मस्तूम भी शामिल। हंगू में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में धमाका, 4 नमाजी शहीद। इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर किसी मुल्क की तकलीद नहीं करेंगे। निगरान वजीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी पहले थी वही आज है और आइंदा भी होगी। फलस्तीनियों का मसला आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने पैगाम दिया है, बहादुर लोग आगे आकर पार्टी को लीड करें। वकील शेर अफजल मरवत का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने मुलाकात में कुछ हिदायत दी हैं जिसे कोर कमेटी के सामने रखेंगे। अडियाला में अटक जेल से बुरे हालात हैं। कराची में आइंदा 4 रोज मौसम इंतहाई गर्म रहने की पेशगोई। जनूबी सिंध में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची का मौसम हफ्ते और इतवार को इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Karachi samet mulk bhar mein jashn e Eid Milad un Nabi sallallahu alaihi wasallam intihai aqeedat o ehtiram aur mazhabi josh o jazbe ke sath manaya gaya. ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुल्क भर में चिराग़ों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जबकि हर सू दुरूद व सलाम व मिलाद की महाफिल का इनेकाद किया गया। जुमे को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जश्न सुबह बहारों का आगाज बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम इज्तिमाई दुआओं से किया गया। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सुबह बहारों की मुनासबत से महाफिल नात, मिलाद शरीफ, कसीदा बर्दा शरीफ, खत्म दुरूद पाक की महाफिल मुनक़िद की गई। विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुमे के रोज़ मुल्क भर में जुलूस और रैलियां निकाली गईं। कराची के कई इलाकों से छोटे बड़े जुलूस निकाले गए जो जश्न मिलाद के मरकजी जुलूस का हिस्सा बने। कराची में मरकजी जुलूस ईद मिलाद नबी जुमा 3 बजे दोपहर बोल्टन मार्केट से बरामद हुआ। मरकजी जलसा मिलाद 5 बजे शाम नश्तर पार्क में हुआ। नमाज असर मगरिब नश्तर पार्क में अदा की गई। कराची समेत सूबे भर में जश्न ईद मिलाद उन नबी पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां की गईं। शहर शहर दुरूद और सलाम की सदाएं सुनाई दे रही हैं। घर मसाजिद और बाजारों को झंडियों और रोशनियों के साथ सजाया गया है। मसाजिद घरों गलियों शाहराहों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। मस्तूंग में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से कबल मस्जिद के करीब धमाके में जा बहक अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक की इतलात के मुताबिक पुलिस अफसर समेत 40 अफराद शहीद हो गए हैं। पुलिस ने धमाके को खुदकुश करार दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग के मुताबिक धमाका मदीना मस्जिद के करीब हुआ, जहाँ लोग ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत करने के लिए जमा हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतलात के मुताबिक इस खुदकुश धमाके के नतीजे में लेस अफसर समेत 40 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तश्वीशनाक है। पुलिस के मुताबिक जाबहक अफराद में DSP मोहम्मद नवाज गिशकोरी भी शामिल है। हुक्काम का कहना है कि मदीना मस्जिद से जमा होने के बाद लोगों ने जुलूस में शिरकत करना थी। धमाके की इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंची, जहाँ से जख्मियों को नवाब गौस बख्श अस्पताल मुंतकिल किया गया।
हुकाम के मुताबिक मस्तूम के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिस कर दी गई है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों में बास की हालत तश्वीशनाक है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। धमाके के बाद मस्तूम के अलावा क्वेटा के सिविल अस्पताल में भी एमरजेंसी नाफिस कर दी गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक तमाम डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ एमरजेंसी ड्यूटी पर तलब कर लिए गए हैं। DHO मस्तूम डॉक्टर रशीद के मुताबिक जाबहक अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं और धमाके से मुतालिक तायुन किया जा रहा है कि धमाका रिमोट कंट्रोल था या खुदकुश। सूबाई हुकूमत ने बलोचिस्तान में सानहा मस्तूम पर 3 रोज़ा सोग मनाने का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर इत्तला'आत के मुताबिक सोग मनाने का मकसद शहदा के ख़ानदानों से इजहार यकजहती है। 3 रोज़ा सोग के दौरान सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगुं रहेगा। सूबे बलोचिस्तान के ज़िला मस्तूम के बाद सूबे खैबर पख्तूनख्वा भी दहशतगर्दी का निशाना बना है। हंगू में भी मस्जिद में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 नमाजी शहीद जबकि 12 जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि धमाका नमाज जुमा के खुतबे के दौरान हुआ, उस वक्त मस्जिद में 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। धमाके के नतीजे में मस्जिद शहीद हो गई और नमाजी छत के मलबे तले दब गए। मस्जिद की छत के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को मकामी अस्पताल जबकि शदीद जख्मियों को CMH मुंतकिल किया गया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर किसी मुल्क की तकलीद नहीं करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम जो भी फैसला करते हैं उसमें कौमी मफाद सर फहरिस्त होता है। इस वक्त पाकिस्तान में इसराइल के हवाले से कोई सोच नहीं। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि किसी ने सवाल पूछा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान इसराइल से तकलीद करेगा, फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की जो पॉलिसी पहले थी वही आज है और आइंदा भी होगी। इसराइल के हवाले से हमारी पोजीशन में कोई भी तब्दीली नहीं आई। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हमने कहा कि फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की तरफ से जबर सितम हो रहा है। फलस्तीनियों का मसला आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहते हैं। फलस्तीनी आवाम आज़ाद रियासत के तौर पर कायम हो और अल-क़ुद्स फलस्तीन का दारुल खिलाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल या फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन कल और आज मुस्तकबिल में भी वही होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने आलमी सतह पर मसले कश्मीर को उजागर किया, कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। उन्होंने मौशी सूरत हाल में बेहतरी के इकदाम पर भी गुफ्तगू की। अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म की कानूनी टीम में शामिल वकील शेर अफजल मरवत का कहना है कि चेयरमैन PTI ने पैगाम दिया है कि बहादुर लोग आएं और पार्टी को लीड करें। उन्होंने कहा कि खदशा है साइफर केस को भी तोशाखाना तर्ज पर चलाया और सजा दी जाएगी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मुलाकात में कुछ हिदायत दी हैं जिसे कोर कमेटी के सामने रखेंगे। उन्होंने केसेस से मुतालिक सुस्त रवि पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया और जारहाना हिकमत अमली अपनाने को कहा। उन्होंने उमर नियाजी एडवोकेट को भी मुलाकात के लिए बुलाया है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम से मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए शेर अफजल मरवत ने बताया कि चेयरमैन PTI को C-क्लास दी गई है। अडियाला में अटक जेल से बुरे हालात हैं, उन्हें यहाँ चहलकदमी के लिए 10 फीट के कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वकील ने बताया कि चेयरमैन PTI ने भी मेरे ट्वीट की तायीद की है, उनकी हिदायत पर तर्जुमान की हैसियत से अपना काम जारी रखूँगा। उन्होंने वाज़े किया कि कानूनी टीम में इख्तिलाफात नहीं, हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत जनूबी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने जनूबी सिंध में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम हफ्ते और इतवार को इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, सजावल, थरपारकर और उमरकोट में इनायाम में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि कराची में दिन के वक्त समंदरी हवाएं मुअत्तल जबकि शाम के औकात में बहाल होने का इम्कान है। दूसरी जानब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसने के बाद तेज़ हवाएं चल पड़ी जिससे मौसम ठंडा हो गया, जबकि पिशावर और हरिपुर में भी बरसात से गर्मी में कमी आई है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है।